हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है संडे, दैट इज़ 8th of January, और आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी सुबह और मैं व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी। और आज मुझे जाना है अपने बुआ के घर पे, सो मैंने सोचा कि आज व्लॉग शूट कर लेते हैं। एंड संडे का दिन मेरा कैसा जा रहा है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और अभी मेरे को कुछ पेंडिंग काम है, किचन के भी कुछ काम है और मेरे प्रेस और नेल से रिलेटेड भी कुछ काम है, तो बुआ के घर जाने से पहले वो सारे काम जो भी है मैं ख़त्म करने वाली हूँ। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं वो सारे काम ख़त्म करूँगी एंड देन मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँगी बुआ के घर जाने के लिए। और मैंने सोचा है कि घर से एटलीस्ट 2-2.5 बजे तक मैं निकल जाऊँ, उससे ज़्यादा लेट मैं नहीं करूँ। तो देखते हैं कब तक निकल पाती हूँ मैं। तो आपने मेरा मेकअप ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो तो देखा होगा, तो मैंने सारे मेकअप और स्किन केयर ऑर्गेनाइज करके रख दिए थे, बट यहाँ पे थोड़े स्टफ्स हैं जो मुझे स्टिल ऑर्गेनाइज करके रखना है। एंड जो मेरा प्रेस ऑन नेल्स का जितना भी मटेरियल है वो भी मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो वो मैं अब जा रही हूँ ऑर्गेनाइज करने। मेरा क्लीनिंग का काम था रिलेटेड टू प्रेस ऑन नेल्स एंड मेरे ज्वेलरीज वगैरह जो भी बिखरे हुए थे सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, किचन का थोड़ा काम करने एंड देन फिर मैं जाऊँगी रेडी होने। प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, अले 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 अले, कैमरा देख के शर्मा गए क्या? हाँ टॉमू, यहाँ देखो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो। मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, नहा लिया है, हेयर वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। एंड रेडी होने के बाद सबसे पहले मैं जाऊँगी जिम, जहाँ पे जो डॉग्स उनको मैं खाना देती हूँ। तो हमेशा हम लोग जिम जाते रहते हैं, मेरा अल्टरनेट बेसिस पे होता है और मतलब मेरे घर से कोई ना कोई रोज़ तो जिम जाता ही है, तो रोज़ तो खाना मिल जाता है उन लोगों को। संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, कोई जिम जाता नहीं है, तो उसके लिए मैं और अन्नू जो मेरा भाई है हम दोनों जाते हैं हर संडे को खाना खिलाने। सो सबसे पहले हम लोग खाना खिलाने जाएंगे एंड देन उसके बाद मैं निकल जाऊंगी वहाँ से बुआ के घर के लिए। सो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है एंड दिस इज़ माई आउटफिट। और अभी मैं अपना रेडी करने जा रही हूँ बैग, बैग रेडी करने जा रही हूँ मैं। और सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चार्जर, और जो ड्रेस मैंने नहाने के बाद वेयर किया था मैं वो ड्रेस कैरी कर रही हूँ। बाकी घर जाके एकदम कंफर्टेबल कपड़ा पहन लूँगी मैं। मैं रख रही हूँ अपना क्यूट सा छोटा सा पर्स। दक्षु को डार्क फैंटेसी बहुत पसंद है, तो दक्षु के लिए ये डार्क फैंटेसी कुकीज़। और दक्षु कौन है ये आपको आगे के ब्लॉग में मालूम पड़ जाएगा। देन मैं कैरी कर रही हूँ अपना डायरी और पेन। एंड यहाँ पे मैं पहन रही हूँ अपनी ईविल आई चेन जो मुझे जीवा ब्रांड ने सेंड किया था और मम्मी हेल्प कर रही है उसे लॉक करने में। और अब मैं रेडी हो रही हूँ, तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी प्लस ई सीरम जो है फ्रॉम द ब्रांड डॉट इन की। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का लिप ऑयल एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉक्स टेल का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ उसको मैं आजकल डेली बेसिस पर यूज़ कर रही हूँ और स्किन पर मुझे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। एंड लास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट इन की का सनस्क्रीन। सो डॉट इन की का सीरम और सनस्क्रीन ये उनके लेटेस्ट लॉन्च में से है, सो अगर आप लेना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो।
एंड देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ प्लम बॉडी लविंग का बॉडी मिस्ट। सो गाइस, कर लिया है मैंने अपना स्किन केयर, मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ स्किन केयर किया है और लिप ऑयल लगा ली है। अब निकलने का टाइम हो चुका है तो चलिए चलते हैं। ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, कब से मैं बात तो नहीं रही हूं। अरे जहाँ जहाँ बोलना है वही वही बोल रही हूँ ना। सुबह का दिन का दिनचर्या दिखा रही थी मैं, दिनचर्या दिखा रही थी क्या क्या कर रही हूँ। उसके बाद क्या बोली, आप लोग बुआ के घर जा रहे हो? हाँ मैं बोली मैं अपने बुआ के घर जा रही हूँ, फिर मैं दक्षों से भी मिलूंगी, मैंने ये भी बोला। और हाँ हेलो गाइस, और कौन है तुम मेरा क्या लगता है? हाँ धीरे क्यों बोल रहे हो? हाय तो डराना भी नहीं है, अच्छे से प्यार से बोल। बेटा दक्षो तुम मेरे क्या लगते हो? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं लगता है मेरा, ये बस बुआ ने इसको पैदा कर दिया लेकिन मेरा कुछ नहीं लगता है। हाँ यही बात है, यही बात है, बस ये पैदा हो गया है, लगता कुछ नहीं है। अच्छा बैग में ना तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ मैं, खोल के देखो क्या है जो तुमको पसंद है। हाँ चॉकलेट तो है, डार्क फैंटेसी, लेकिन ये दूसरा वाला है, चोको चिप्स वाला है। यस यस वेलकम। अब तुम फटाफट जाके खाना निकलवाओ, समझे कि नहीं, भूख लगा है। हाँ, वो रोटी बन रहा है। ठीक है बनने दो रोटी। बुआ ने हम लोग के लिए बनाया था बटर चिकन और रोटी, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। वैसे तो 50,000 फीस है, पर मुंह देखे हो क्या अपना, 50,000 फीस है। दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे यार, तो कुछ करो ना, तुम कुछ तो करो। नाचू है, नाचने से बढ़ते क्या सब्सक्राइबर? बढ़ जाएंगे। अच्छा शर्मा का है, 11 साल का बच्चा शर्मा का है रहे हो? नहीं शर्मा रहे, नहीं तुम शर्मा रहे। अच्छा नहीं शर्मा रहे, गुड गुड गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बच्चे से मजदूरी नहीं, बच्चे से भी मजदूरी अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा और करो। क्या बात है बेटा, कायदे से 5 मिनट भी नहीं किया तुमने। तो वो 1 मिनट 18 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, बस इतना ही मिलता है। और केक खाया जा रहा है? यस केक खाया जा रहा है, पहले किटकैट खाएंगे तो शो। नो अच्छा ये खा ले, तो खा ले, खा लो, शर्माओ मत। बुआ को पता है जो गाना बजा ना उससे भी कॉपीराइट आ सकता है, म्यूट करना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ता है सब, समझ नहीं रही है ना बुआ, ये सब यहाँ बैठ के मैं ब्लॉग बना रही हूँ है ना दक्षु, फिर समझाया करो तो। So guys, अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर जाने के लिए, लिया था कोई इशू नहीं था। और मैं आ चुकी थी घर पे, और सीधे सबसे पहले मैं टॉमी से मिलने गई थी, और अगर हम लोग कहीं बाहर जाके आते हैं तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना मस्ती करने लगता है कि बहुत मज़ा आता है उसके साथ, और ये हम लोग की मस्ती चल रही है।
सो अब मैं आ गई हूँ घर पे एंड अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होके एंड उसके बाद मुझे प्रेस ऑन नेल्स के ऑर्डर का भी काम है, तो फिर मैं वो करने बैठ जाऊंगी अभी। एंड घर पे आने के बाद मैंने ऑर्डर किया था मेरे लिए और अन्नू के लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, और हम लोग वही इंजॉय कर रहे थे और टॉमी भी हमारे साथ बैठा है। बर्गर खाना है, खाओगे? खाना है बर्गर। मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रेस ऑन नेल्स का काम, और कुछ टाइम के लिए बस मैं उठ के बाहर चली गई थी और टॉमी को ज़बरदस्ती यहीं पे सोना था, तो ये उसके लिए मैंने इतना सा स्पेस क्रिएट किया है और वो चढ़ के गया और वहाँ जाके सो रहा है, और अब मुझे वहाँ पे जाके काम करना है, और मुझे उसको हटाने में भी अच्छा नहीं लग रहा है।